Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 12th class students. So, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बस टॉपोलॉजी को हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका बस टॉपोलॉजी का डायग्राम है. ये जो मेन आपको दिख रही है लाइन, ये एक्चुअली है आपकी बैकबोन, आपका मेन केबल जिसके थ्रू आपके सारे कंप्यूटर के डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है. सो ये जो मेन लाइन आपको दिख रही है, ये मेन लाइन है आपकी बैकबोन और इसी के थ्रू सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है. ये जो दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट, इन्हें हम टर्मिनेटर्स कहते हैं. टर्मिनेटर्स मतलब ये एंडिंग पॉइंट्स है आपकी केबल के, दो एंड पॉइंट है, इसलिए आप इन्हें टर्मिनेटर कहते हैं. इस लाइन को आप, इस केबल को आप कनेक्टर भी कहते हैं. वेल बेसिकली इसमें मेन चीज होती है आपका सर्वर कंप्यूटर, फाइल सर्वर जो होता है, क्योंकि यही चीज है जो आपके इन बाकी सारे नोट्स के सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखती है अपने अंदर. सो सारे के सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इस सर्वर के अंदर सेव होती है. सो ये मेन चीज होती है. दैट मीन्स इस बैकबोन के बाद जो दूसरी मेन चीज है वो है आपका सर्वर. ये फाइल सर्वर होता है और ये है सारे नोट्स. फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ नंबरिंग कर दे, ये नोट फर्स्ट है, ये नोट सेकेंड है, ये नोट थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ नोड है. तो ये पांचों नोड्स है, ये पांच कंप्यूटर हमने इससे कनेक्ट कर रखे है विथ हमारे सर्वर. अगर हम बस टॉपोलॉजी की बात करें तो बस टॉपोलॉजी में एक साथ दो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते. आई रिपीट, बस टॉपोलॉजी में एक साथ दो कंप्यूटर्स, एक साथ दो नोड्स इन्फॉर्मेशन सेंड या इन्फॉर्मेशन रिसीव या इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक टाइम पे नोट फर्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है तो उसी टाइम पे नोट सेकेंड उस किसी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, ना ही नोट थर्ड कर सकता है, ना ही नोट फोर और ना ही नोट फिफ्थ. बेसिकली देखा जाए तो लाइक बस नहीं होती, बस के अंदर एक टाइम पे एक ही आदमी एंटर करेगा और एक टाइम पे एक ही आदमी बाहर जा सकता है, क्योंकि वो गेट का साइज ही इतना छोटा होता है कि उससे एक ही आदमी बाहर निकल सकता है, एक ही पर्सन बाहर निकल सकता है, एक ही पर्सन अंदर जा सकता है. तो उसी तरह एक टाइम पे बस टॉपोलॉजी के अंदर एक ही नोड किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है. जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है देन कोई दूसरा नोड इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है. जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट जो नोड है वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है. सो शेयरिंग यहाँ पे वन बाय वन होती है, एक साथ नहीं होती है. बस टॉपोलॉजी पूरा बस के फिनोमिनन पे काम करता है. एक बार में एक ही कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, एक बार में सर्वर एक ही सिस्टम से इन्फॉर्मेशन लेगा और सेव करेगा उसे. सो ये बस टॉपोलॉजी का डायग्राम है. आपको जब भी एग्जाम में टॉपोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो डायग्राम उसमें आपको बोला हो या ना बोला हो बनाने के लिए, बनाना कंपलसरी ही होता है, क्योंकि टॉपोलॉजी का अगर डायग्राम ना बनाया जाए तो उसके मार्क्स आपको प्रॉपर नहीं मिलते. इसलिए किसी भी तरह की टॉपोलॉजी को आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसका डायग्राम मस्ट है. सो डायग्राम की प्रैक्टिस करना जरूरी है. नाउ अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आए तो सबसे पहले हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं. डिसएडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो इसका जो रिकन्फिग्रेशन होता है, मतलब बाय चांस मान लीजिए कोई फाइल करप्ट हो गई है, कोई सिस्टम खराब हो गया है, तो फिर उसे रिकन्फिगर करना पड़ेगा, उसे रीसेट करना पड़ेगा, तो वो हो गया. या जो किसी पूरे सिस्टम में कहीं फॉल्ट आ गया, लाइक सर्वर में कोई फॉल्ट आ गया, किसी सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया या केबल में कोई फॉल्ट आ गया, तो वो डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है. प्रॉब्लम किसी सिस्टम में है, प्रॉब्लम मेन केबल में है, प्रॉब्लम किसी सर्वर में है, प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ, वो डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें. सो रिकन्फिग्रेशन और फॉल्ट आइसोलेशन ये मुश्किल हो जाता है. सेकेंड थिंग, क्योंकि मैंने आपको कहा कि केबल से कनेक्टेड होता है और सिंगल केबल होता है, तो आप समझ सकते हैं कि केबल की एक फिक्स्ड लेंथ होती है, एक निश्चित दूरी होती है, एक निश्चित एरिया ही कवर कर सकती है केबल, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकती. तो उसके कारण जो बस टॉपोलॉजी है उसका इस्तेमाल आप वहां कर सकते हो जहां नेटवर्किंग आपकी छोटी सी है. छोटी नेटवर्किंग में बस टॉपोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, किसी बड़ी तरह की नेटवर्किंग में आप बस टॉपोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते. थर्ड थिंग, अगर बाई चांस आपके किसी नोड में कोई खराबी आई है तब तो ठीक है,
तब भी आपका जो सिस्टम है वो काम करता रहेगा। बट अगर आपकी इस मेन केबल में कोई खराबी आ गई है, अगर आपकी इस बैकबोन में कोई खराबी आ गई है, तो आपका पूरा नेटवर्किंग वहीं स्टॉप हो जाता है। आप अपनी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, आपकी नेटवर्किंग खत्म हो जाती है उस लेवल पे। सो बैकबोन अगर आपका मेन केबल अगर खराब हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा जो नेटवर्किंग है वो स्टॉप हो जाता है, ठप हो जाता है, बंद हो जाता है ना। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस में एक ही खास चीज है, जैसा कि मैंने जब डायग्राम एक्सप्लेन किया था तब बताया था कि सारे नोड्स जो होते हैं वो सेंट्रल केबल से कनेक्टेड होते हैं, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहे एक दूसरे से, सारे नोड डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, एक सेंट्रल केबल के थ्रू कनेक्टेड है। और हर एक नोड का अपना ये डिसीजन होता है कि कौन सा नोड पहले इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, तो ट्रैफिकिंग नहीं होती है। लाइक अगर सारे नोड्स एक साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो ऑब्वियसली बात है सर्वर पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है और कई बार सर्वर काम करना बंद कर देता है, हैंग होने लगता है। बट क्योंकि इसमें ऐसा रहता है कि एक बार में केवल एक ही सिस्टम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है तो सर्वर पर लोड नहीं पड़ता है, सर्वर इजीली इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकता है और सेव भी कर सकता है। जो सर्वर पर लोड नहीं पड़ता तो सर्वर लंबे टाइम तक काम करता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसका ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है कि नोड खुद से डिसाइड कर लेते हैं ऑटोमेटिकली कि कौन सा नोड पहले इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। सो ये सबसे अच्छी चीज है क्योंकि इससे ट्रैफिक नहीं बढ़ता केबल पर, केबल पर लोड नहीं आता, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं बढ़ता है केबल पर, जिसकी वजह से बस टोपोलॉजी लंबे समय तक टिकी रहती है, उसमें खराबी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा बस टोपोलॉजी का टॉपिक फिनिश हुआ है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।